coming! Chala! सुनती का है नहीं हो तो अब देखो कितनी चोट लग गई। अब तुम भूल से भी ऐसी कोई गलती नहीं करोगी ना। एक औरत की उसके अपने घर में ही पिटाई हो रही थी और जो आदमी उसे हमदर्दी दिखा रहा था वो उसका पति था। अपने ही घर में वो बेबस और लाचार थी। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। महिलाओं पर इस तरह का जुल्म करना यह अपने घर की बात नहीं बल्कि एक घरेलू हिंसा है और कानूनन एक संगीन अपराध। किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं कि वो महिला को शारीरिक यातनाएं दे। कुछ लोग महिलाओं को अपनी जागीर समझते हैं और उनको बुरी तरह पीटते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा सिर्फ अनपढ़ महिलाओं के साथ होता है। वास्तव में इसका वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं, ये एक मानसिकता है। कई लोग हैं जो महिलाओं को दबा कर रखते हैं। ऐसी औरतों को हिम्मत करके उनका विरोध करना चाहिए। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून हैं। ये महिला लगातार अपने पति के अत्याचार और जुल्म सह रही थी, वो उसका विरोध क्यों नहीं कर रही थी? क्या वो मजबूर थी? उसका पति उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था? बात यहीं तक सीमित नहीं थी, इससे ज्यादा भी इस घर में कुछ होना बाकी था। देखते हैं यूपी की यह दिल दहला देने वाली घटना। काश हम परिंदा होते तो इस खुले आसमान में उड़ते रहते। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, थोड़ी देर और बैठते हैं ना, अभी तो हमने खुल के इस मौसम का मजा भी नहीं लिया है। हाँ, अगर हमारा बस चले ना तो हम यहाँ से जाने की जिद ही ना करें। पर क्या करें बाबूजी। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अरे लाइए ना इसको, हम ले लेते हैं। चलो हमारे साथ। हम जो कहा था 16 ने सच कहा था। ये हमारे जमीन है ना, अरे हीरा है हमारी जमीन, हीरा। और दर्जनों ग्राहक है हमारे पास इसके। कहो तो फोन करके बुला लें। बुला लो भैया, आज ही डील पक्की कर देंगे। हैं? ज्यादा टेढ़े मेढ़े चले ना तो टांगे तोड़ देंगे। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तमंचा लिए हुए और गर्मी चढ़ गई, मगज फिर गाएगा? दिखाई नहीं देता कौन खड़ा है सामने। क्या कहा था, बात घुसी नहीं थी क्या भेजे के अंदर? चलो दोहराए देते हैं,
हमने कहा था कि ये जमीन हमको चाहिए, सिर्फ हमको, और जमीन की वाजिब कीमत भी दे रहे थे हम। क्या ठाकुर साहब, मार्केट के दाम से आधी कीमत हमें दे रहे हो और कह रहे हो वाजिब कीमत है? पृथ्वी, ज्यादा होशियारी दिखाओगे? अब देखो, तुम्हारी भाषा में इस जमीन की जो आधी कीमत दे रहे थे ना, अब तुमसे ये जमीन हम मुफ्त में लेंगे। गजराज को कोनो फर्क नहीं पड़ता ये जमीन लेने के लिए तुम्हारे दस्तखत लेना पड़े या अंगूठा, क्योंकि दस्तखत तो जिंदा आदमी करता है लेकिन अंगूठा तो मुर्दे का भी काम आता है। जमीन तो हम ले ही लिए समझो, लेकिन तुम्हारे दस्तखत तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं। यस, दस्तखत करो। तो भैया ये ले। चलो, ठाकुर जितने अत्याचार तुझे करने थे कर लिए, अब तू देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। बहुत जोर से भूख लग रहा है भाई, बबीता कहाँ है? अरे बबीता रानी, अल्लाह, तुम काहे ये सब कर रही हो? हाँ, नौकर चाकर हैं तो सही, सब ये करेंगे। ले दीजिए हम। हाँ, तुम यहाँ बैठो हमारे पास। साफ कर कुत्ते। जी बाबा जी। बस वैसे एक बात है, गुरुदेव जैसा सेवक और गुलाम कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पहला गुमा। हाँ जीते रहो। अरे क्या बात है, हम तुमको कौन संस्कार वगैरह सिखाए कि नहीं? पिता के पैर छुए माँ के नहीं, आशीर्वाद नहीं लोगे? माँ है तुम्हारी, पैर छुओ आशीर्वाद लो, पैर छुओ। पहला घुमा। ईवा बैठो बैठो। हाँ खाना खाओ। कि जब भी हम तुमको देखकर रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं तो तुम हमसे डरने काहे लगते हो यार? काहे बदने लगते हैं तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर बारा? अरे हम कोई पराए हैं का? अरे पति हैं तुम्हारे, को हमारे छूने से बिजली का करंट लगता है क्या तुम्हें? एक महीने से ऊपर हो गया तुमको ब्याह कर लाए हुए, और तुम आज भी पहली रात की दुल्हन की तरह ऐसे डरती हो जैसे हम तुम्हें खा जाएंगे? काहे? देखो पति और पत्नी के बीच में ज्यादा दूरी अच्छी नहीं लगती, समझी? ये देखो काहे, देखो देखो, अरे देखो, दुखता है ना? उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि हम क्या चाहते हैं। अरे हमारे प्यार को भी समझा करो।
जी पृथ्वी जी, बाबूजी ने 2 लाख रुपए देने को कहा। हाँ हाँ अभी लाए। कोई शक तो नहीं हुआ ना? ना, पृथ्वी ने कुछ नहीं देखा, आप चिंता नहीं कीजिए। पृथ्वी भाई कमाल हो गया, जिस बाप को घर में बहू लेके आना चाहिए था वो बीवी लेके आ रहा है, और वो भी सुंदर, जवान, सुशील, खूबसूरत। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो का? अपने माँ बाप का मजाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, साले वो बाप है हमारा बाप, इज्जत करते हैं हम उसकी, एक और शब्द बोला ना यही डाल देंगे। बाबूजी, ऐसा बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा, आखिर अब आ ही गए। हाँ बेटा, अबे यहाँ से अपने साथ ले। ससुर जी कब आए? प्रणाम। प्रणाम। बेटी का हालचाल पूछने आए हैं, कैसी है, खुश है कि नहीं? वही बताओ, खुश हो ना बबीता रानी, बोलो। हाँ बाबा, खुश है। देखा, खुश है। इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। अपने बाबा के लिए जलपान की व्यवस्था नहीं करोगी? जल्दी करो भाई, जाओ। क्या लेने आए हो यहाँ? कुछ नहीं सरकार, बस 1 महीने से ज्यादा हो गया था बिटिया के देखे हुए, बस देखने आ गए, वो कैसी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सोचने की कि वो यहाँ खुश नहीं है? ये गजराज की हवेली है और वो हमारी पत्नी, इतनी बड़ी हवेली में आई है तुम्हारी बेटी, दुनिया भर के नौकर चाकर सारी सुख सुविधा मौजूद है यहाँ, वो हर चीज यहाँ मौजूद है जो तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी, ससुरी आदि जायदाद नाम कर दी है उसके, और तुम ये सोचते हो कि बबीता यहाँ खुश नहीं होगी? आप गलत सोच रहे सरकार। अरे इतना समय कहाँ लगा दिया बबीता रानी, देखिए ये जाने की जिद कर रहे हैं। जाना है ना आपको? हाँ। रामू जलपान वापस ले जाओ। ससुर जी पुराने ख्यालात के, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। ये लाए थे बिटिया के लिए मिठाई। अरे रहने दो ससुर जी, आप ले जाओ, काम आएगा, यहाँ तो भगवान का दिया सब कुछ। अच्छा प्रणाम। बबीता रानी, क्या हो रहा है बबीता रानी? कुछ नहीं। अरे हमसे क्या छुपाया जा रहा है? पति पत्नी के बीच में कुछ छुपा हुआ थोड़ी रहता है। नहीं कुछ कुछ भी नहीं। देखें जरा क्या छुपा रही हो हमसे, लाओ। मैके चिट्ठी लिखी जा रही,
हम भी पढ़ लें क्या लिखा है। बाबा ये घर नहीं नरक है। हमें यहां घुटन महसूस होती है। हम यहां एक पल भी नहीं रह सकते। हमें आकर ले जाए। आपसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफी? काहे की माफी? अभी तक रुको तो सही, अभी हम दिखाते हैं तुम्हें नरक क्या होता है। जाओ उस अलमारी को खोलो, जाओ। खोलो उस अलमारी को। वो बेल्ट निकालो, वो दाएं वाला। हाँ, ले आओ। बेल्ट दो, दो। अरे कोई है? कहां भर गए सब के सब? ब्रजेश, पृथ्वी, क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है? काहे मार रहे इसे? कुछ किया क्या इसने? हमको बताइए, हम सबक सिखाते हैं। दीजिए हमें पट्टा। बाबले हो गए हो? अभी जमी है कि नहीं? वो माँ है तुम्हारी, माँ को बेल्ट से मारोगे? अरे ये काम के लिए घर में नौकर चाकर है ना ब्रजेश? इनो, नहीं बाबूजी, ये हम नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? ससुर जी को चिट्ठी लिखी जा रही है कि ये हवेली नरक है। हम बताते नरक क्या होता है। इनो, बाबूजी हम नहीं कर सकते। अरे हम कह रहे हैं ना करो। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर का अच्छा गुलाम तुम्हें अपनी मालकिन पर बेल्ट नहीं चलाने देता, पर हम है ना यहाँ, चलाओ बेल्ट। काहे नहीं हो तो अब देखो कितनी चोट लग गई। अब तुम भूल से भी ऐसी कोई गलती नहीं करोगी ना? उम्र से दुगने पति से घबराई, विवश, उसके अत्याचारों को सहती रही। गजराज का बेटा अपनी सौतेली मां की उम्र का था। दोस्तों में वो हंसी का पात्र बन गया था। अपने मालिक का वफादार नौकर ब्रजेश और उसकी मालकिन के बीच में एक अलग ही रिश्ता था। गजराज के कहने पर मजबूर होकर ब्रजेश ने बबीता पर हाथ उठाया, जिसके लिए वो अपने आप को बबीता का अपराधी मान रहा था। दिन ब दिन घर के तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। आखिर सवाल यह था कि बबीता ऐसे हालात को कब तक झेलती रहेगी।
सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हमने सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन कैसे? वो सब हम पर छोड़ दीजिए। अब बस आप जाइए और निश्चिंत होकर कल का इंतजार कीजिए। कल की सुबह आपकी आजादी की सुबह होगी। ये लो, और चिंता ना करो, और पैसा देंगे हम तुम्हें, लेकिन काम होने के बाद। हमें लगता है कि तुम्हारी माँ को स्वर्ग और नरक के बीच का फर्क समझाने में हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्यों जी? ऐसा करते हैं कि आज सब पिकनिक पे चलते हैं। मिथिलेश और ब्रितेश का काम है, जिन्होंने हम पर गोली चलवाई। ढूंढ डालो, खोद डालो सारे इलाके को। बाबूजी, हम बहुत जल्द उन दोनों को जान से मार देंगे। आप देखिएगा, उन दोनों की छाती में गोली दागेंगे। बैंक मंत्री, हम उन्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। तुम सिर्फ उन्हें हमारे सामने हाजिर करो, और उनका क्या करना है ये हम तय करेंगे। बाबूजी, हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। चुप साले, पुलिस क्या करेगी? एक शहर का कानून, कचहरी संभालना है, हम तय करेंगे। तुम सिर्फ उसको हमारे सामने हाजिर करो। जाओ उसको ढूंढ कर लेकर आओ। जाओ। बाबूजी, हर जगह छान मारा, मगर वो मिथिलेश और प्रीतेश का कहीं कोई पता नहीं लगा। अरे कायरों की तरह घुस गए होंगे बिल में। निकलेंगे साले बिल से बाहर, कहाँ जाएंगे? जब तक वो बिल से बाहर नहीं आते, तब तक हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्यों बबीता रानी, आइए। चलिए। और हाँ, देखो वैसे भी ये हमारा बर्थडे वाला महीना है, क्यों अपने बाबूजी का 60वां हैप्पी बर्थडे नहीं मनाओगे? अरे हाँ बाबूजी, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपका बर्थडे, अगले हफ्ते ही तो है। मैं आज से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ। यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आखिर क्या करें हम? हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वरना हम अपनी जान दे देंगे। अरे ऐसा क्यों कहती हैं आप? हम कोशिश कर रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ जो आज का हमारा प्लान खराब हो गया? आगे और भी मौके मिलेंगे, हम आपको जरूर ले चलेंगे यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोटे मालिक, आपने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है बताओ हमको? घर के नौकर के साथ अकेले में हाथ थामे हुए क्या कर रही हो तुम? नहीं प्रीतिश, पहले तो हमें सिर्फ शक था, अब तो पूरा यकीन हो गया है। साले, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, क्या समझू? रंजा तो पकड़ा है। साले आस्तीन के साथ नमक हराम, घर की मालकिन पे डोरे डाल रहा था तू। बाबूजी आज मार डालेंगे इसे। सच बता, हमारी पत्नी तेरे कमरे में क्या कर रही थी? बोल। हम खुद ही
इसके कमरे में गए थे, इसमें इसकी कोनो गलती ना है, और जैसा आप दोनों समझ रहे ऐसा भी कछु नहीं है। हम तो इसको ये रुपए देने गए थे आप ही की दवाई लाने के लिए, और जब भी अपने हाथों में वो रुपए थाम रहे थे तभी ये वहां आ गए। अरे पृथ्वी समझ ही नहीं पाए, लेकिन हम समझ गए। हाँ, ये हमको धोखा दे ही नहीं सका था। अरे हमारी दवाई का मामला था और तुम नाहक अपनी माँ पे शक कर बैठे। साठवां जन्मदिन है, हम 60 जन्मदिन और मनाएंगे। हेलो, ठाकुर साहब नमस्कार। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई यहां पे आने की? अरे पृथ्वी, इन्हें हमने बुलाया। बाबूजी ये जानते हुए भी कि इन्होंने? अरे ये डर गए थे हमसे। हाँ, हो गई गलती इनसे, माफी मांग ली इन्होंने, माफ कर दिया हमने इनको। वैसे भी आज ये हमारे मेहमान हैं। प्रणाम, एंजॉय। हम आपके लिए ड्रिंक लेकर आते हैं। अरे मालकिन, आप काहे काम कर रहे हैं? हम है ना, हम लेके जाते हैं ड्रिंक बनाकर। जी नहीं, हम बनाकर लेकर जाएंगे। अरे बबीता जी, इधर आइए ना। लाओ मुझे दो, मैं बाबूजी के लिए ले जाऊं। हमारे ड्रिंक लाया बाबूजी, ये लीजिए। चौधरी, मुझे पार्टी में मौजूद सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स और बयान चाहिए कि कब कब कौन कौन लोग कहां पर थे। इन लोगों के एक एक पल की जानकारी चाहिए मुझे, और जब तक ये लोग बयान नहीं देंगे इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चौधरी। जी सर। गजराज की दुश्मनी तो वैसे काफी लोगों से थी, और गजराज की मौत उसकी दुश्मनी का नतीजा है, लेकिन शराब में जहर हो भी पार्टी में इतने सारे लोगों के बीच में, हो ना हो ये कोई घर के ही आदमी का काम हो सकता है। घर का कोई ना कोई आदमी इसमें जरूर मिला होगा। सर ये वारदात आज हुई है,
ऐसा भी तो हो सकता है कि मेहमान बनकर कोई बाहर से आया हो और उसने मौके का फायदा उठा लिया। सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। चलो आइए। बताइए मिस्टर बिश, किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? हम अपने मरे हुए पिता की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने आपको यहाँ पर अकेले बातचीत करने के लिए बुलाया। देखिए, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पिता का कत्ल उनकी नई पत्नी बबीता ने किया या करवाया है। इतने विश्वास के साथ आप ये बात कैसे कह सकते? क्योंकि हमने कई बार रंगे हाथों ब्रिजेश और बबीता को पकड़ा है, और ब्रिजेश ने ही आखिरी ड्रिंक बाबूजी को दिया था, ये बात हमने अपनी आंखों से देखी। और ये बात चाहे तो आप रामू से भी पूछ सकते हैं। अब हमारे समझ में आ रहा है कि मालिक को ड्रिंक देने के लिए इतनी होड़ काहे मची है। पहले तो मालकिन आई और उन्होंने ड्रिंक का ग्लास फुल कर दिया, और जैसे ही उनको मालिक बुलवा लिए तो ब्रिजेश आया। हमने उसे कहा कि हम ग्लास लेके जाते हैं, पर वो नहीं माना, कहने लगा कि हम लेके जाएंगे। नहीं, ये सच नहीं है, हमने उनको नहीं मारा। आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, आखिर हम ऐसे क्यों करेंगे? क्या मिलेगा हमें ऐसा करके? पैसा, प्रॉपर्टी और आजादी, ये तीनों फायदे आपको गजराज की मौत के बाद होने वाले थे। और आपको शायद पता नहीं है कि गजराज की वसीयत के अनुसार उनकी मौत के बाद उनकी जायदाद की आधी मालकिन आप होने वाली हैं, और गजराज के बेटे पृथ्वी के अनुसार आपका आपके नौकर ब्रजेश के साथ अवैध संबंध है। क्या बकवास है ये? शर्म आ रही है आपको हम पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? हाँ, ये सच है कि हमने आखिरी ड्रिंक बाबूजी को दिए थे, पर हम कसम खाकर कह रहे हैं साहब, हमने इसमें जहर नहीं मिलाया, हमने बाबूजी को नहीं मारा साहब। और हम बाबूजी को क्यों मारेंगे? अपने नाजायज प्यार के लिए, अपनी मालकिन बबीता को पाने के लिए। ये सरासर झूठ है साहब, और आप लोगों की सोच भी गलत है। अरे, हम तो बबीता जी को अपनी छोटी बहन के समान मानते। गजराज के बेटे पृथ्वी ने हमें बताया था कि गजराज को ड्रिंक देने से पहले तुम्हारे और ब्रजेश के बीच कुछ कानाफूसी हुई थी। क्या था वो सब? हुई थी साहब, आज भी जश्न के माहौल का फायदा उठाकर हम हवेली से भागने वाले थे ब्रजेश की मदद से। बस इसी बारे में हम उनसे बात कर रहे थे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना ये दौलत, ना ये जायदाद, ना ये हवेली, हमें तो बस आजादी चाहिए थी। अभिशाप बनी शादी से जो हम पर जबरदस्ती थोप दी गई थी, और ब्रजेश उसने तो एक जिम्मेदार भाई की तरह हमारी मदद की है ताकि हम इस दलदल से निकल सके। गजराज की दबंगाई और अहंकार ने कई लोगों को उसका दुश्मन बना दिया था। अपने ही घर में सबके बीच उसकी हत्या एक रहस्य बन गई थी। गजराज की डेड बॉडी से यह अंदाजा तो हो चुका था कि उसकी हत्या जहर देकर की गई थी। तो क्या गजराज को बबीता और ब्रजेश ने मारा था, या फिर मिथिलेश और प्रीतेश जो इस पार्टी में मेहमान बनकर आए थे? उन दोनों की आंखों और चेहरे से यह पता चल रहा था कि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। सब शक की गुत्थी में उलझे थे कि किसने गजराज को जहर देकर उसकी हत्या की है। क्या यह मौत दुश्मनी का अंजाम थी? गजराज की मौत से किसको फायदा था? यह कत्ल किसी और ने किया था, या इसके पीछे घर के किसी सदस्य का हाथ था? चौधरी। जी सर। पूरी हवेली की अच्छी तरह से तलाशी लो। जी हवलदार। ये बबीता की अलमारी से मिला है। जहर की शीशी? सर, मेरी अलमारी से जहर की शीशी? नहीं सर, कोई गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जहर की शीशी बबीता जी आपकी अलमारी से मिली है। अब आपको जो कुछ भी झूठी कहानी बतानी है ना, थाने चलकर बताइएगा। इनको थाने ले चलो, और ब्रजेश को भी ले चलो। और हाँ, इसको फॉरेंसिक लैब में भेजो, और साथ में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
तूने मेरे बाबूजी को मार दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। प्रतिदिन संभाल अपने आप को, इसे कानून सजा देगा। चल तुम्हारी अलमारी से जहर की शीशी बरामद, और उसके बाद भी तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है, अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना अगर एक बार अदालत चले गए ना तो फिर कोई रियायत नहीं होगी तुम लोगों के साथ। चाहे आप हमें जिस भी अदालत में ले जाए, हम यही कहेंगे कि हम निर्दोष है। जैन सर। सर सर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। चौधरी जी, गजराज की बॉडी में जो जहर पाया गया, वो जहर की शीशी हमने बबीता की अलमारी से मिली। हालांकि पार्टी में बहुत सारे गेस्ट मौजूद थे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट यानी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक जहर की शीशी में उंगलियों के निशान रामू के थे। सर अगर ऐसा है तो बबीता और ब्रजेश ने तो रामू का नाम ही नहीं लिया, और वो दोनों से क्यों बचा रहे हैं? हो सकता है उन दोनों को इसके बारे में भनक ही ना, क्योंकि हवेली में मौजूद हर शख्स की मैंने पूछताछ की तो मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले रामू को मार्केट में मिथिलेश और प्रीतेश के साथ देखा गया। ये मिथिलेश और प्रीतेश वही हैं जिनकी जमीन गजराज ने दादागिरी से हथिया ली थी, और इन लोगों के पास एक माकूल वजह है गजराज की हत्या करने की। जी सर। चौधरी तुम एक काम करो, मिथिलेश और प्रीतेश को पुलिस स्टेशन बुलाओ और उनकी जरा खातिरदारी करो। मैं जब तक हवेली जाके रामू से पूछताछ करता हूँ। जी सर। हवेली चलो। आइए इंस्पेक्टर, ये बबीता और ब्रजेश को छोड़िएगा नहीं। मेरे पिता का कत्ल किया उन्होंने। आपके पिता के कत्ल के केस में एक नया मोड़ आया। अभी अभी हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है जिससे हमें ये पता चला है कि जहर की शीशी में उंगलियों के निशान रामू के। हमें शक है कि रामू बबीता और ब्रजेश से मिला हुआ है। आप जरा रामू को बुलवाइए। रामू? वो तो चला गया। चला गया कहाँ और कैसे? पता नहीं, किसी को बताकर नहीं गया। ठीक है, जैसे ही आपको रामू का पता चले आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। जी मैं चलता हूँ। हमारी बात का विश्वास कीजिए साहब, हमने गजराज को नहीं मारा साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। अभी कुछ दिन पहले रामू के साथ तुम दोनों मार्केट में देखे गए, उसके बाद तुम लोगों ने एक बड़ी रकम अपने अकाउंट से निकाली जो तुम लोगों ने रामू को दी, और रामू ने उस रकम के एवज में गजराज के ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार दिया। ये सच है कि हम रामू से मिले थे और रामू ने हमारा बात नहीं माना सर, और ये भी सच है कि हमने गजराज को मारने का कोशिश किया था। ये लो, और चिंता ना करो, और पैसा देंगे हम तुम्हें, लेकिन काम होने के बाद। इससे पहले कि हमारा आदमी गजराज को मार दे, कि गजराज को किसी ने पार्टी में मार दिया। तो इस तरह से तुम लोग अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे। चौधरी ले जाओ इन्हें। हवलदार चौधरी, ये तो रामू है। जी सर। इस लाश को यहाँ पर सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने देखा था। चौधरी लगता है कोई नहीं चाहता था कि हम रामू तक पहुंचे, क्योंकि रामू ही एक ऐसी कड़ी था जो गजराज की हत्या का राज खोल सकता था। जी। फॉरेंसिक वालों को खबर कर दूं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाऊं, और हाँ उसके बाद इन सबके बयान दर्ज कर लेना। सर ये देखिए, तो वही है ना जिसने रामू का खून किया ताकि रामू हम तक ना पहुंच सके।
और तेरे बाप ठाकुर की हत्या का राज हमेशा राजी बना रहे। रामू के नाखूनों में तेरे प्लास्टर का पाउडर मिला है। अब भी झूठ बोलेगा, बता सच क्या है? हाँ हाँ, हमने मारा बाबूजी को, और करते भी क्या? हाँ, वसीयत बना डाली थी बुढ़ाओं ने कि उनकी मौत के बाद आधी जायदाद की मालकिन वो बबीता होगी, और हम रास्ते पर खड़ा रहकर झुंझुना बजाते नहीं। इसलिए हमने भी फैसला कर लिया कि हम इस बुढ़ाओं को रास्ते से हटा देंगे। इसलिए हमने एक शूटर को पैसे दिए ताकि वो बाबूजी को रास्ते से हटा दे। मौका अच्छा है, इस बार निशाना चूके नहीं, नदी किनारे एक घंटे बाद। पर उस दिन हमारे भाड़े के शूटर का निशाना चूक गया। फिर हमने सोचा हम खुद अपने हाथों से उस बुढ़ऊ को मारेंगे जहर से, और इल्जाम लगा देंगे बबीता पर। एक ही बार में दोनों हमारे रास्ते से हट जाएंगे। रामू ने शराब में जहर मिला दिया था, तभी ब्रिजेश वहां पर पहुंच गया और बुढ़ऊ को ड्रिंक देने की जिद करने लगा। रामू ने ग्लास ब्रिजेश को दिया और जहर की शीशी जाकर बबीता के अलमारी में रख दी। जब हम तफ्तीश के लिए तुम्हारे घर गए थे और रामू के बारे में पूछा था, तब रामू कहाँ था? मैंने झूठ बोला था आपसे, उस दिन वो हवेली में ही था आपके जाने के बाद। तुम फिक्र काहे करते हो रामू, हम है ना, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि तुम यहां से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना, इन पुलिस वालों से बहुत दूर। पूरा यकीन था कि आप रामू तक पहुंच जाएंगे, तो इसलिए तुमने रामू की हत्या की और उसकी लाश जंगल में फेंकवा दी। लेकिन बरकरदार, तुम ये भूल गए कि कानून के हाथ एक ना एक दिन जुर्म की गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। ले जाओ इसे। गजराज ने ताकत के बल पर एक मजबूर लड़की पर अमानवीय जुर्म किए। उसकी मानसिकता ने उसको सबके बीच में अपना दुश्मन बना लिया था। बबीता ही नहीं, उसने हर किसी की मजबूरी, कमजोरी और गरीबी का नाजायज फायदा उठाया। लेकिन उसके अपने ही बेटे ने दौलत के लालच में गजराज की हत्या की। पृथ्वी नहीं चाहता था कि उसके दौलत में उसकी सौतेली मां हिस्सेदार हो। पृथ्वी को अपने ही पिता गजराज और नौकर रामू की हत्या के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। मिथिलेश और प्रीतेश को गजराज के कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में सेक्शन 120B के तहत 4 साल की सजा हुई। अपराध के रास्ते से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। इस घटना में गजराज और उसके नौकर रामू को बेवक्त मौत मिली और पृथ्वी को उम्र कैद। एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म देता है। अब वक्त आ गया है कि हम यूपी वासी ऐसे अपराधियों को उनकी असली अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।